जी नमस्कार, मैं लकी चीदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। जैसा कि तमाम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि आज 15 तारीख हो चुकी है, लेकिन हमारी एनजीओ वर्कर की जो सैलरी है वो आज भी हमारे अकाउंटों में नहीं आई है। जहाँ तक हमने एक कल मेमोरेंडम दिया था लेबर कोर्ट में भी, और वहाँ सूत्र एंटरप्राइजेज जो है उन्होंने कल भी कहा था कि 10-15 मिनट में जो हमारी सैलरी है वो अकाउंटों में डल जाएगी, लेकिन आज 15 तारीख हो गई है, अभी तक जो सैलरी अकाउंटों में नहीं आई है। मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ, खास करके माननीय मेयर साहब और हमारे कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी मेयर, हमारे चेयरमैन हेल्थ अफसर और हमारे जॉइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन के, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए कि आने वाले दिनों में गर्मी का माहौल जो बढ़ रहा है, वार्ड मेंबरों को जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ठेकेदार है ये चाहते नहीं है कि कॉरपोरेटरों की वार्डों में जो काम हो, इसलिए ये जो सैलरी है उनकी समय पर उनके अकाउंट में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों को हर बार जो है ऐसे माहौल में जो झेलना पड़ता है, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं उनकी फीस का जो मैटर होता है, इनका किराए का मैटर होता है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर जो हमारी डिपार्टमेंट है वो गौर करे, नहीं तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में गर्मी की वजह से और इस कॉन्ट्रैक्टर की वजह से जो है वार्डों में और भी ज़्यादा गंदगी फैले। अभी तो फिलहाल 2 दिन ही हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि आगे जाके ये जो काम है इसको बढ़ाया जाए। और मीडिया के माध्यम से मैं ये मैसेज सूत्र एंटरप्राइजेज को भी देना चाहता हूँ कि आपने जो रवैया अपना पकड़ा हुआ है, 10 तारीख या 7 तारीख आपको टाइम दिया गया सैलरी डालने का, आप अपने जो उस तारीख से विकल्प जा रहे हैं और उस तारीख को जो है आप डिले करते हुए आज 15 तारीख या 20 तारीख को सैलरी दे रहे हैं, इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि 7 तारीख को जो सैलरी है वो हमारे एम्प्लॉय के अकाउंट में दी जाए, नहीं तो हम लेबर कोर्ट से अपील करते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए। पहले भी आपके कुछ सफाई कर्मचारियों का कोई घोटाला हुआ था EPF के नाम से, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी देखिए, जो पहले कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों का ES और PF के नाम पर जो है वो 47 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, और शायद ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी ऐसा करेंगे। तो हम इस चीज़ का मैसेज देना चाहते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो दिन जो है वो चले गए हैं, अब आप अपने जो है उस टाइम को जो है दोबारा लाने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो समय है आपके ऊपर भारी पड़ जाए। धन्यवाद।